हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पहेलियाँ लॉजिक सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। आज की हमारी पहली पहेली है, एक बहुत ही शातिर श्याम नाम का एक चोर चोरी करके भागता है। पुलिस उस चोर का पीछा करती है, लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ नहीं पाती है। एक दिन पुलिस को पुलिस स्टेशन के बाहर एक पर्ची दिखाई देती है। पुलिस उस पर्ची को खोलती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, आप जिस चोर को ढूंढ रहे हो वो इस घर में छुपा हुआ है। तो पुलिस जल्दी से उस चोर को पकड़ने के लिए उस घर के बाहर चली जाती है। पुलिस वहां जाके देखती है कि जो घर पुलिस ढूंढ रही है वैसा ही चार घर वहां पे मौजूद हैं। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इन चारों घर में से वो कौन सा घर है जिसके अंदर वो चोर शाम छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों में वो कौन सा घर है जिसके अंदर शाम छुपा हुआ है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों में से वो कौन सा घर है जिसमें चोर शाम छुपा हुआ है? दोस्तों, इन चारों में से तीसरे नंबर वाला वो घर है जिसके अंदर वो चोर छुपा हुआ है। पुलिस चारों घरों को गौर से देखती है तो पुलिस को याद आता है कि जो पर्ची मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर मिली थी, उस पर्ची में जो घर बना हुआ है उस घर के दरवाजे का हैंडल नीले रंग का है, और यहाँ पर इन चारों घर में से वो तीसरे नंबर वाला घर है जिसके दरवाजे का हैंडल नीले रंग का है। इसका मतलब है कि ये वही घर है जिस घर के अंदर शाम छुपा हुआ है। तो पुलिस जल्दी से उस घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो शाम चोर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस फिर से उस चोर को पकड़ नहीं पाती है तो पुलिस घर की अच्छे से तलाशी लेती है। पुलिस को वहाँ पे एक लैपटॉप दिखाई देता है तो वो पुलिस लैपटॉप को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो पता लगा सके कि ऐसा क्या है इस लैपटॉप के अंदर जिससे कि वो चोर को पकड़ सके। लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि उस लैपटॉप में क्या पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड का कोई क्लू भी दिया हुआ है। पुलिस उस क्लू को समझने की कोशिश करती है कि इस लैपटॉप को खोलने का क्या पासवर्ड है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस लैपटॉप को खोलने का पासवर्ड क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप इस लैपटॉप को खोलने का पासवर्ड पता लगा पाए? दोस्तों, इस लैपटॉप को खोलने का पासवर्ड है 84923। दोस्तों, आप देखेंगे कि लैपटॉप में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसी की सीध में नीचे कुछ अल्फाबेट्स भी लिखे हुए हैं। क्योंकि उस चोर का नाम श्याम है तो नीचे श्याम भी लिखा हुआ है। अगर हम श्याम नाम के अल्फाबेट्स को अगर उसी की सीध में ऊपर दिए हुए नंबर को देखते हैं तो वो नंबर उसी सीक्वेंस में बनता है 84923। इसीलिए इस लैपटॉप को खोलने का पासवर्ड भी यही है, श्याम। पुलिस उस पासवर्ड को एंटर कर देती है और फिर वो लैपटॉप खुल जाता है। जैसे ही लैपटॉप खुलता है उसमें जू की एक बड़ी सी पिक्चर दिखाई देती है। पुलिस समझ जाती है कि उस चोर शाम ने पूरा चोरी का जो सामान है ज़रूर इस जू में कहीं छुपाया हुआ है। तो पुलिस जल्दी से वहाँ से निकल के जू के बाहर आ जाती है। लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े जू में
वो चोरी का सामान कहाँ पर छुपाया हुआ है? दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि उस चोर शाम ने चोरी का सामान कहाँ पर छुपाया हुआ है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि उस चोर ने चोरी का सामान कहाँ पर छुपाया हुआ है? दोस्तों, उस चोर ने चोरी का जो सामान है वो जू के बाहर पत्थरों के पीछे छुपाया हुआ है। पुलिस थोड़ा सोचती है तो पुलिस को याद आता है कि जब मैं लैपटॉप को खोलकर उसमें जू की पिक्चर देख रहा था, तभी वहाँ पे जू के बाहर जो पत्थर मौजूद हैं वहाँ पे एक गोला लगा हुआ था। यानी कि यहाँ पर जू के बाहर ये पत्थर हैं, इसी पत्थर के पीछे ज़रूर वो चोरी का सामान छुपाया हुआ है। तो पुलिस उस पत्थरों को थोड़ा हिलाती है और फिर जैसे ही पुलिस उन पत्थरों को हिलाती है, उन पत्थरों के पीछे से चोरी किया हुआ सारा सामान पुलिस को मिल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। इस सीन में एक लड़का और एक लड़की दोनों समुद्र के एक एक किनारे की ओर खड़े हुए हैं और उन दोनों को समुद्र के बीच में एक नंबर दिखाई दे रहा है और वो नंबर देखकर लड़का कह रहा है कि ये 9 है, लेकिन लड़की कहती है नहीं, ये 6 है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? क्या है ये सही नंबर? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या पता लगा पाए कि इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? दोस्तों, इन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों लड़का और लड़की जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं उस पोजीशन में उन दोनों को वही नंबर दिखाई दे रहा है। यानी कि लड़का जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है उस पोजीशन में लड़के को ये 9 दिखाई दे रहा है और जिस पोजीशन में वो लड़की खड़ी है उस पोजीशन में लड़की को ये 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस पोजीशन में खड़े हैं उसी पोजीशन में उनको वही नंबर दिखाई दे रहा है जो कि ये बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।